नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 11 बजने वाले हैं, 11 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज हंड्रेड की। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। अभी तक कुल मिलाकर 35 विधायकों ने वोट डाल दिया है। आनंद के रिसोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा, कांग्रेस के 44 विधायक पहुंचे। कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत ने सभी का स्वागत किया। बस में कांग्रेस विधायक डॉक्टर नरेश और नसीब पठान का बयान, कहा अहमद पटेल की जीत तय है। गुजरात से अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत लगभग तय। बलवंत सिंह राजपूत और अहमद पटेल के बीच कड़ी टक्कर है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया। कांग्रेस विधायक राघव जी पटेल और धर्मेंद्र जडेजा ने बलवंत सिंह को वोट देने का दावा किया। एनसीपी विधायक कंधाल जडेजा का बयान, कहा हमें क्या करना है, इसका ऐलान कल ही कर दिया गया। एनसीपी ने कल ही बीजेपी को वोट देने का ऐलान किया था, हालांकि विधायक जयंत पटेल ने ऐसे किसी आदेश से इनकार किया। वोटिंग के बाद बोले कांग्रेस के बागी विधायक शंकर सिंह वाघेला, कहा मैंने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया। शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस से सवाल पूछा, कहा कांग्रेस के पास बहुमत है तो घबरा क्यों रहे हैं। शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र वाघेला ने भी वोट डाला, लेकिन किसे डाला इसकी जानकारी नहीं दी। कहा लोकतंत्र में वोटिंग गुप्त होती है। वोटिंग के बाद बोले गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, कहा बीजेपी के 3 उम्मीदवारों की जीत तय। जम्मू कश्मीर के माचल सेक्टर में घुसपैठ नाकाम, 5 आतंकी ढेर, सेना ने 5 हथियार भी बरामद किए। माचल में एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है, सुरक्षा बलों ने इलाके को कॉर्डन कर लिया है। पुलवामा के ध्रुव गांव में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भागे, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। उरी सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान घायल हुआ, श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती। बड़गाम में एक बैंक सुरक्षाकर्मी से हथियार छीनने की कोशिश नाकाम हुई, 3 आतंकी फरार, पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन। पीओके में बस सेवा रोके जाने के खिलाफ प्रदर्शन, पुंछ से रावलकोट के बीच पिछले 4 हफ्तों से बस सेवा बंद है। राजनीतिक पार्टी बनाने वाले आतंकी हाफिज सईद ने अपनी पार्टी का लोगो और झंडा जारी कर दिया है। हाफिज ने सैफुल्ला को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। भारत के खिलाफ छोटे सैन्य अभियान की थ्योरी पर चीन बैकफुट पर आ चुका है, चीन के रक्षा मंत्रालय ने इसे मीडिया और थिंक टैंक की निजी राय बताया। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 23 अगस्त को भारत आएंगे, इससे पहले चीन का उच्च स्तरीय एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल का दौरा करने वाला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का अपनी ही पार्टी पर निशाना, कहा सल्तनत चली गई लेकिन हम अब भी सुल्तान की तरह बर्ताव कर रहे हैं, पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत है। कर्नाटक में भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाएगी सरकार, हिंदी को लेकर विवाद के बाद सरकार का फैसला। चंडीगढ़ में लड़की का पीछा करने के मामले पर गृह मंत्रालय ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, एसएसपी की सफाई, पुलिस पर इस मामले में कोई दबाव नहीं। एम्बुलेंस रोकने के आरोपी बीजेपी नेता दर्शन नागपाल की सफाई, कहा आरोप साबित हुए तो माफी मांग लूंगा। हरियाणा के बीजेपी नेता दर्शन नागपाल पर एम्बुलेंस को रोकने का आरोप, इलाज में देरी की वजह से मरीज की मौत हो गई। सब्सिडी को लेकर विवेक देबरॉय पैनल ने सरकार को कई सुझाव दिए, कार फ्रिज एसी रखने वाली लोगों को सब्सिडी न देने की सिफारिश की। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने अमरिंदर सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया, कहा सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है। शिवराज सिंह चौहान पर निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप है, कांग्रेस नेता अजय सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत की। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से 11 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, सदन में 3 बिल पेश होने हैं। दिल्ली में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, दोनों का शव मिला, मौके से बाइक गायब है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सीबीआई गैंग का खुलासा किया, 3 की गिरफ्तारी, पिस्टल और कारतूस बरामद। मुंबई में बाइक सवार ने युवक को टक्कर मार दी, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई में बेस्ट यूनियन ने हड़ताल को वापस लिया, महाराष्ट्र सरकार ने मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। नोएडा में महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी, आत्महत्या की वजह साफ नहीं, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला की लखनऊ कोर्ट में पेशी, यूपी एटीएस ट्रांजिट रिमांड में लेने की मांग करेगी। यूपी एटीएस ने बवीना एसडीएम दफ्तर में तैनात एक स्टेनो को गिरफ्तार किया, आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। यूपी के राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बिजनौर के एसपी नेता पर हमले का आरोप लगाया, गार्ड से हथियार भी छीनने की कोशिश की। गाजीपुर में एक पत्रकार को पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने धमकी दी, ऑडियो वायरल हुआ, घोटाले की खबर छापने पर पूर्व पर्यटन मंत्री नाराज थे। उन्नाव के एक मदरसे में बच्चों को जंजीरों में बांधकर पढ़ाने का मामला सामने आया, मदरसे से भागे 2 छात्रों ने आरोप लगाया। यूपी के कौशाम्बी में एक महिला ने आत्महत्या की, पति ने भाई को राखी बांधने से रोका था। यूपी के मिर्जापुर में 3 जुलाई को मिले युवक के शव की गुत्थी सुलझ गई, पुलिस के मुताबिक हत्या अवैध संबंधों की वजह से हुई।
इलाहाबाद में पढ़ाई के लिए कहने पर 10वीं क्लास के छात्र ने पिता की हत्या कर दी। करीब 24 घंटे तक शव को कमरे में छिपाया। उत्तराखंड के चंपावत में पारंपरिक फलफूल के खेल में 334 लोग जख्मी हुए। खूनी खेल को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। उधम सिंह नगर में छेड़छाड़ के आरोप में युवा बीजेपी नेता धर्मेंद्र आर्य की पिटाई। वीडियो वायरल होने पर पार्टी ने किनारा कर लिया। आगरा में रक्षाबंधन पर बहन ने भाई को किडनी गिफ्ट की। कुछ महीने से भाई डायलिसिस पर था। भोपाल में एक थाने में तैनात सिपाही ने डीआईजी को अपना इस्तीफा भेज दिया। 16 घंटे ड्यूटी कराए जाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत हुई। नाराज परिवार वालों का प्रदर्शन। दोषी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग की। मुरैना में बिजली के तार को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष पर दूसरे के घर फायरिंग का आरोप है। इंदौर पुलिस ने नाबालिगों के गैंग का खुलासा किया। ये सभी बैंक डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। ग्वालियर पुलिस ने एटीएम हैक करने वाले छात्र को गिरफ्तार किया। एटीएम से 22 लाख रुपए की चोरी के मामले में पूछताछ। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसान की हार्ट अटैक से मौत। किसान सुल्तान मीणा पर बैंक का करीब 2.5 लाख का कर्ज था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कुछ लोग कलेक्ट्रेट कैंपस में चंदन के पेड़ काट कर ले गए। पुलिस शक के आधार पर पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में लूट की प्लानिंग करते हुए 4 बदमाश गिरफ्तार। देसी पिस्टल और धारदार हथियार बरामद। मध्य प्रदेश के दमोह में नर्सों ने 1 महीने के बच्चे को राखी बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लिया। ये बच्चा बालाकोट के जंगल में मिला था। मध्य प्रदेश के सिवनी में आईबी अफसर बनकर मोटर बाइक डीलर से धोखाधड़ी। दिनेश नाम का एक आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुल से नदी में कार गिर गई। हादसे में 4 की मौत हुई। एक बच्चा अब भी लापता। जयपुर से भोपाल जाते वक्त ही हादसा हुआ। नया रायपुर में पिकनिक के लिए गई लड़की की ब्लू वाटर खदान में डूबने से मौत हो गई। एक लड़की को बचा लिया गया। सरदार सरोवर के विस्थापन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। विस्थापितों को जबरन हटाने के खिलाफ यह याचिका है। जोधपुर के शेखा सरगांव में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप में लूटपाट की। वारदात के दौरान पंप के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। जयपुर में 2 दुकानों में चोरी। नकदी और लाखों के सामान चुराकर चोर ले गए। पिछले 10 दिन में यह चौथी चोरी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में NH-113 पर 2 बाइक में टक्कर हुई। 2 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल। राजस्थान के डूंगरपुर में गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। झारखंड के चाईबासा में ट्रक और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। मृतक की पहचान सुधीर कर्मकार के तौर पर। समस्तीपुर पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर 10 लाख की शराब पकड़ ली। शराब पार्सल वैन में छिपाई गई थी। बिहार के छपरा में महिला ने चोटी काटे जाने का दावा किया। घटना के बाद से लोगों में दहशत है। बिहार के बेगूसराय में 24 घंटे के अंदर 3 महिलाओं ने चोटी कटने का दावा किया। घटनाएं पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी है। झारखंड के लोहरदगा में बॉक्साइट से भरे हुए 2 ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुए। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। समस्तीपुर में NH-28 पर गाड़ी और ऑटो की टक्कर हुई। 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। पटना में एक कंपनी ने लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगा। 1 करोड़ रुपए लेकर फरार। पुलिस ने केस दर्ज किया। झारखंड पुलिस ने सरायकेला में हुई मोबाइल लूट का केस सुलझा लिया। मामले में 1 दुकानदार गिरफ्तार। झारखंड को जल्दी बिजली किल्लत से निजात मिल पाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 5,180 करोड़ की ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी दे दी। झारखंड के गुमला में घाघरा नेतरहाट रोड पर डायवर्जन टूटा। कुछ ही घंटों में पूरा रास्ता टापू में तब्दील हो गया। झारखंड के गिरिडीह में बदमाशों ने CCL के डीजल पंप डिपो में सेंधमारी की कोशिश की। वारदात के बाद से डिपो में डीजल सप्लाई बंद है। कारण से झुलसे मजदूर की कटिहार के सदर अस्पताल में मौत। चोरी छिपे इलाज चल रहा था। पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। जम्मू के सांबा में 2 लोगों के शव मिलने के बाद सनसनी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। विशाखापट्टनम में 1,31,00,000 कैश पकड़ा गया। ये सारी रकम पुराने 500 और 1,000 के नोट में। दिल्ली में 3rd नेशनल हैंडलूम डे का आयोजन। कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। हरियाणा के किसान कर्ज माफी और फसल के दाम को लेकर हड़ताल करेंगे। 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक गिरफ्तारी देंगे। पंजाब के मानसा में कर्ज से परेशान 2 किसानों ने खुदकुशी की। कीटनाशक पीकर जान दे दी। अमृतसर में बुजुर्ग दंपत्ति का शव मिलने के बाद हड़कंप। पुलिस के मुताबिक सुबह के वक्त दोनों की हत्या हुई। पंजाब के संगरूर में मिठाई खाने के बाद लोग बीमार। अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। हरियाणा के सिरसा में शॉर्ट सर्किट के बाद कपड़े की दुकान में आग लग गई। 25 लाख का नुकसान। आग पर काबू पा लिया गया। जम्मू कश्मीर का पर्यटन विभाग इस बार भी लद्दाख महोत्सव का आयोजन कर रहा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना मकसद है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगरतला में गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया। बांग्लादेश से त्रिपुरा तक PNG लाइन बिछाने की तैयारी है। सरकार ने 11 लाख पैन कार्ड डीएक्टिवेट किए। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने इसकी जानकारी।
लाहौर में बम धमाके में 22 लोग घायल हुए। विस्फोटक को ट्रक में छिपाकर रखा गया था, किसी ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नई पाबंदियों पर उत्तर कोरिया ने अमेरिका को चेतावनी दी, कहा इसकी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस 2020 में राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, पेंस न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के बाद नाराज हैं। वेनेजुएला के काराकस में सरकार के समर्थन में रैली निकाली गई, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के समर्थन में नारेबाजी हुई। इसराइल ने अपने देश में अल जजीरा टीवी चैनल को बंद करने का ऐलान किया, चैनल पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप है। मॉरिसियाना में झंडे में बदलाव को लेकर वोट डाले गए, तो रेफरेंडम में पक्ष में 85% वोट पड़े, करीब 50% लोगों ने ही हिस्सा लिया वोटिंग में। ग्रीस में पूर्ण चंद्र ग्रहण का नजारा देखा गया, प्राचीन मंदिर के पास सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। करण जौहर ने बेटी रूही और बेटे यश की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, ये दोनों ही 6 महीने के हो चुके हैं। संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि का ट्रेलर 10 अगस्त को रिलीज होगा, संजय के दोस्त राजकुमार हिरानी भी मौजूद रहेंगे। रेमो के साथ रेस लगा सकते हैं सलमान खान, फिल्म रेस 3 में खलनायक की भूमिका में नजर आ सकते हैं सलमान।